विध्वंस। जिला बनारस में बीरा नाम का एक गांव है। वहां एक विधवा वृद्धा संतानहीन गौंडिन रहती थी, जिसका भुनगी नाम था। उसके पास एक धुरबी जमीन न थी और न रहने का घर ही था। उसके जीवन का सहारा केवल एक भाड़ था। गांव के लोग प्रायः एक बेला चबैना या सत्तू पर निर्वाह करते ही हैं, इसलिए भुनगी के भाड़ पर नित्य भीड़ लगी रहती थी। वह जो कुछ भुनाई पाती वही भून या पीस कर खा लेती और भाड़ी की झोपड़ी के एक कोने में पड़ रहती। वह प्रातःकाल उठती और चारों ओर से भाड़ झोंकने के लिए सूखी पत्तियां बटोर लाती। पहाड़ के पास ही पत्तियों का एक बड़ा ढेर लगा रहता था। दोपहर के बाद उसका भाड़ जलता था, लेकिन जब एकादशी या पूर्णमासी के दिन प्रथानुसार भाड़ न जलता या गांव के जमींदार पंडित उदयवान पांडे के दाने भुनने पड़ते, उस दिन उसे भूखे ही सो रहना पड़ता था। पंडित जी उससे बेगार में दाने ही ना भुनवाते थे, उससे उनके घर का पानी भी भरना पड़ता था और कभी कभी इस हेतु से भी भाड़ बंद रहता था। वह पंडित जी के गांव में रहती थी, इसलिए उन्हें उससे सभी प्रकार की बेगार लेने का अधिकार था। उसे अन्याय नहीं कहा जा सकता, अन्याय केवल इतना था कि बेगार सुख ही लेते थे। उनकी धारणा यह थी कि जब खाने को ही दिया गया हो तो बेगार कैसी। किसान को अधिकार है कि बैलों को दिन भर जोतने के बाद शाम को खूंटे से भूखा बांध दे। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह उसकी दयालुता नहीं है, केवल अपनी हित चिंता है। पंडित जी को इसकी चिंता न थी, क्योंकि एक तो भुनगी दो एक दिन भूखी रहने से मर नहीं सकती थी, और यदि दैव योग से मर भी जाती तो उसकी जगह दूसरा गोंड बड़ी आसानी से बसाया जा सकता था। पंडित जी की यही क्या कम कृपा थी कि वह भुनगी को अपने गांव में बसाए हुए थे। चैत का महीना था और संक्रांति का पर्व। आज के दिन नए अन्न का सत्तू खाया और दान दिया जाता है। घरों में आग नहीं जलती। भुनगी का भाड़ आज बड़े जोरों पर था। उसके सामने एक मेला सा लगा हुआ था। सांस लेने का भी अवकाश न था। ग्राहकों की जल्दबाजी पर कभी कभी झुंझला पड़ती थी कि इतने में जमींदार साहब के यहाँ से दो बड़े बड़े टोकरे अनाज से भरे हुए आ पहुंचे और हुक्म हुआ कि अभी भून दे। भुनगी दोनों टोकरे देखकर सहम उठी। अभी दोपहर था, पर सूर्यास्त के पहले इतना अनाज भुनना असंभव था। घड़ी दो घड़ी और मिल जाते तो एक अठवारे के खाने भर को अनाज हाथ आता। दैव से इतना भी ना देखा गया, इन यमदूतों को भेज दिया। अब पहर रात तक सेंत मेत में भाड़ में जलना पड़ेगा। एक निराशा भाव से दोनों टोकरे ले लिए। चपरासी ने डांट कर कहा, देर ना लगे नहीं तो तुम जानोगी। भुनगी, यहीं बैठे रहो, जब भुन जाए तो लेकर जाना, किसी दूसरे के दाने छूं तो हाथ काट लेना। चपरासी, बैठने की हमें छुट्टी नहीं है, लेकिन तीसरे पैर तक दाना भुन जाए। चपरासी तो यह ताकीद करके चलते बने और भुनगी अनाज भूनने लगी। लेकिन मन भर अनाज भूनना कोई हंसी तो थी नहीं। उस पर बीच बीच में भुनाई बंद करके भाड़ भी झोंकना पड़ता था। अतएव तीसरा पहर हो गया और आधा काम भी ना हुआ। उसे भय हुआ कि जमींदार के आदमी आते होंगे, आते ही गालियां देंगे, मारेंगे। उसने और वेग से हाथ चलाना शुरू किया। रास्ते की ओर ताकती और बालू नाद में छोड़ती जाती थी, यहां तक कि बालू ठंडी हो गई, सेवड़े निकलने लगे। उसकी समझ में ना आता था क्या करे, न भूनते बनता था न छोड़ते बनता था। सोचने लगी, कैसी विपत्ति है, पंडित जी कौन मेरी रोटियां चला देते हैं, कौन मेरे आंसू पोंछ देते हैं। अपना रक्त जलाती हूं तब कहीं दाना मिलता है, लेकिन अब देखो खोपड़ी पर सवार रहते हैं, इसलिए ना कि उनकी चार अंगुल धरती से मेरा निस्तार हो रहा है। क्या इतनी सी जमीन का इतना मोल है। ऐसे कितने ही टुकड़े गांव में बेकाम पड़े हैं, कितनी बखारियां उजार पड़ी हुई हैं। वहां तो केसर नहीं उपजती, फिर मुझे पर क्यों या आठों पैर धौंस रहती है। कोई बात हुई और या धमकी मिली कि भाड़ खोद कर फेंक दूंगा, उजाड़ दूंगा। मेरे सिर पर भी कोई होता तो क्या बौछारें सहनी पड़ती। वह इन्हीं कुत्सित विचारों में पड़ी हुई थी कि दोनों चपरासियों ने आकर कर्कश स्वर में कहा, क्यों री, दाने भुन गए। भुनगी ने निडर होकर कहा, भून तो रही हूं, देखते नहीं हो। चपरासी, सारा दिन बीत गया और तुमसे इतना अनाज ना भुना गया। या तू दाना भून रही है कि इसे चौपट कर रही है। यह तो बिल्कुल सेवड़े हैं, इनका सत्तू कैसे बनेगा। हमारा सत्यानाश कर दिया, देख तो आज महाराज तेरी क्या गति करते हैं। परिणाम यह हुआ कि उसी रात को भाड़ खोद डाला गया और वह अभागिनी विधवा निर्वलंब हो गई।
भुनगे को अब रोटियों का कोई सहारा ना रहा। गांव वालों को भी बाढ़ के विध्वंस हो जाने से बहुत कष्ट होने लगा। कितने ही घरों में दोपहर को दाना ही ना मयस्सर होता। लोगों ने जाकर पंडित जी से कहा कि बुढ़िया को बाढ़ जलाने की आज्ञा दे दीजिए, लेकिन पंडित जी ने कुछ ध्यान न दिया। वह अपना रौब न घटा सकते थे। बुढ़िया से उसके कुछ शुभचिंतकों ने अनुरोध किया कि जाकर किसी दूसरे गांव में क्यों नहीं बस जाती, लेकिन उसका हृदय इस प्रस्ताव को स्वीकार न करता। इस गांव में उसने अपने अधीन के 50 वर्ष काटे थे। यहाँ के एक एक पेड़ पत्ते से उसे प्रेम हो गया था। जीवन के सुख दुख इसी गांव में भोगे थे। अब अंतिम समय वह इसे कैसे त्याग दे, यह कल्पना ही उसे संकट में जान पड़ती थी। दूसरे गांव के सुख से यहाँ का दुख भी प्यारा था। इस प्रकार एक पूरा महीना गुजर गया। प्रातः काल था। पंडित उदयभान अपने 2-3 चपरासियों को लिए लगान वसूल करने जा रहे थे। कारिंदों पर उन्हें विश्वास न था। नजराने में, डाढ़ बांध में, रसूब में वह किसी अन्य व्यक्ति को शरीक न करते थे। बुढ़िया के भाड़ की ओर ताका तो बदन में आग सी लग गई। उसका पुनरुद्धार हो रहा था। बुढ़िया बड़े वेग से उस पर मिट्टी के लौंदे रख रही थी। कदाचित उसने कुछ रात रहते ही काम में हाथ लगा लिया था और सूर्योदय से पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहती थी। उसे लेश मात्र भी शंका न थी कि मैं जमींदार के विरुद्ध कोई काम कर रही हूँ। क्रोध इतना चिरजीवी हो सकता है, इसका समाधान भी उसके मन में न था। एक प्रतिभाशाली पुरुष किसी दीन अबला से इतना कीना रख सकता है, उसे उसका ध्यान भी न था। वह स्वभावतः मानव चरित्र को इससे कहीं ऊंचा समझती थी। लेकिन हा हतभागिनी, तूने धूप में ही बाल सफेद किए। सहसा उदयवान ने गरज कर कहा, किसके हुक्म से? भुनगी ने हकबका कर देखा तो सामने जमींदार महोदय खड़े हैं। उदयवान ने फिर पूछा, किसके हुक्म से बना रही है? भुनगी डरते हुए बोली, सब लोग कहने लगे बना लो तो बना रही हूं। उदयभान, मैं अभी इसे फिर खुदवा डालूंगा। यह कह उन्होंने भाड़ में एक ठोकर मारी। गीली मिट्टी सब कुछ लिए दिए बैठ गई। दूसरी ठोकर नांद पर चलाई, लेकिन बुढ़िया सामने आ गई और ठोकर उसकी कमर पर पड़ी। अब उसे क्रोध आया। कमर सहलाते हुए बोली, महाराज, तुम्हें आदमी का डर नहीं है तो भगवान का डर तो होना चाहिए। मुझे इस तरह उजाड़ कर क्या पाओगे? क्या इस 4 अंगुल धरती में सोना निकल आएगा? मैं तुम्हारे ही भले की बात कहती हूँ। दीन की हाय मत लो, मेरा रोवा दुखी मत करो। उदयभान, अब तो यहाँ फिर भाड़ ना बनाएगी। भुनगी, भाड़ ना बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या? उदयभान, तेरे पेट का हमने ठेका नहीं लिया है। भुनगी, टहल तो तुम्हारी करती हूँ, खाने कहाँ जाऊँ? उदयभान, गाँव में रहोगी तो टहल करनी पड़ेगी। भुनगी, टहल तो तभी करूंगी जब भाड़ बनाऊंगी। गांव में रहने के नाते टहल नहीं कर सकती। उदयभान, तो छोड़कर निकल जा। भुनगी, क्यों छोड़कर निकल जाऊं? 12 साल खेत जोतने से आसामी काश्तकार हो जाता है। मैं तो इस झोपड़े में बूढ़ी हो गई। मेरे सास ससुर और उनके बाप दादे इसी झोपड़ी में रहे। अब इसे यमराज को छोड़कर और कोई मुझसे नहीं ले सकता। उदयभान, अच्छा तो अब कानून भी बघाड़ने लगी। हाथ पैर पड़ती तो चाहे मैं रहने भी देता, लेकिन अब तुझे निकाल कर तभी दम लूंगा। चपरासियों से, अभी जाकर उसके पत्तियों के ढेर में आग लगा दो, देखें कैसे भाड़ बनता है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। ज्वाला शिखर आकाश से बातें करने लगा। उसकी लपटें किसी उन्मत्त की भांति इधर उधर दौड़ने लगी। सारे गाँव के लोग उस अग्नि पर्वत के चारों ओर जमा हो गए। भुनगी अपने भाड़ के पास उदासीन भाव में खड़ी या लंका दहन देखती रही। अकस्मात वह वेग से आकर उसी अग्निकुंड में कूद पड़ी। लोग चारों तरफ से दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़ी कि आग के मुंह में जाए। क्षण मात्र में उसका सूखा हुआ शरीर अग्नि में समाविष्ट हो गया। उसी दम पवन भी वेग से चलने लगा। ऊर्ध्वगामी लपटें पूर्व दिशा की ओर दौड़ने लगी। पहाड़ के समीप ही किसानों की कई झोपड़ियां थी। वह सब उन्मत्त ज्वालाओं का ग्रास बन गई। इस भांति प्रोत्साहित होकर लपटें और आगे बढ़ी। सामने पंडित उदयभान की बखार थी, उस पर झपटी। अब गांव में हलचल पड़ी। आग बुझाने की तैयारियां होने लगी, लेकिन पानी के छींटों ने आग पर तेल का काम किया। ज्वालाएं और भड़की और पंडित जी के विशाल भवन को दबोच बैठी। देखते ही देखते वह भवन उस नौका की भांति जो उन्मत्त तरंगों के बीच में झकोरे खा रही हो अग्नि सागर में विलीन हो गया
और वह क्रंदन ध्वनि जो उसके भस्मावशेष में प्रस्फुटित होने लगी भुनगी के शोक में विलाप से भी अधिक करुणाकारी थी।